पिछले समय हमने कंपटीशन के लिए पार्ट नंबर 1 तैयार करा, आज मैं पार्ट नंबर 2 लेकर आ रहा हूँ। इसे सभी को देखना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं मैं कि इफ कैपिटल ए माइनस 1/a इज इक्वल टू के, पिछली बार भी मैंने के ही लिया था, पर पहले लिया था a प्लस 1/a बराबर के, इस बार मैं ले रहा हूं a माइनस 1/a बराबर के। अब आपसे किसी ने पूछा कि देन a प्लस 1/a बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा, तो हमारा आंसर जो है मैट्रिक के रूप में बता रहा हूं, कैपिटल ए प्लस 1/a का मान आपका पिछली बार भी अंडर रूट लगाया था, अब भी लगा लीजिए, के स्क्वायर लिखा था अब भी लिख लीजिए, के स्क्वायर लिखा था अब भी लिख लीजिए, फिर आपने पिछली बार माइनस 4 किया था, इस बार आप प्लस 4 कर दीजिए, और इस चिन्ह के विपरीत करना है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, और अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आप कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं, ये ट्रिक हो गई आपकी, इस ट्रिक को कैसे प्राप्त किया वो भी हम आगे चलकर आपको बताएंगे, किंतु आपको धैर्य पूर्वक पूरा वीडियो पहले देखना होगा, तभी हम इस ट्रिक का राज आपको बता देंगे। मैं सभी ट्रिकों के राज आपको बताऊंगा। अब एक एग्जांपल हमने से पूछा कि x की पावर -7 माइनस 1/x की पावर -7 बराबर से आपका 8 दिया है, और क्वेश्चन में यह है आपका देन कहा गया है कि x की पावर -7 प्लस 1/x की पावर -7 का आंसर क्या होगा। हमें चार ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हियर आप देख रहे हैं एक स्थान पर एक्स की पावर -7 का चयन किया है, वी चूज कैपिटल ए बराबर एक्स की पावर -7 एंड के हियर 8, के कौन है, यह आपका के है, इसे के कहते हैं। तो आपके आंसर में क्या लिखा है, आपको लिखा है एक्स की पावर -7 प्लस 1/x की पावर -7 बराबर आपको के। सर जी आपने तो ट्रिक में लिख रखा है कि अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 करना है, तो आप बताइए के का मान कितना है, के का मान 8 है, 8 है तो 8 स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 हो गया प्लस 4, यानी आंसर कितना आ गया, 68 आ गया। कितने आसानी से हमने इस प्रश्न को कर डाला, पर आपको ये मैं जरूर से कहूंगा कि ये ट्रिक कैसे प्राप्त की गई, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अब कुछ उदाहरण एक दो और छोटे मोटे लेते हैं, आप जो कहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्स की पावर 0.007 ले ली, फिर आपका प्लस का
वन अपॉन एक्स की पावर 0.007 ले ली, बराबर 5 दिया है और आपसे कहा है एक्स की पावर 0.007 -1/(0.007) 0.007 व्हाट इज दिस, क्या है क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा एक और है, ए हमारा आप कहोगे सर जी एक्स की पावर 0.007 है, बिल्कुल सत्य कहा आपने। हमने पूछा के कौन है, तो आपने के बारे में भी बड़े जल्दी से फुर्ती से बता दिया कि के का मान 5 है। सर जी के का मान 5 है, इसे ही हम के कहते हैं। तो अब इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ देखिए, तो माने क्या लिखा, एक स्थान पर एक्स की पावर 0.007 और फिर माइनस का मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, ये माइनस का लेना है, ये प्लस का, माइनस का और प्लस का। तो यहां पर मैं प्लस का मान पूछना चाहता हूं, तो प्लस का मान एक्स की पॉइंट 0.007 बराबर से क्या होगा, ये ऑब्लिक में है। तो आप कहेंगे सर जी अंडर रूट आपका के का स्क्वायर प्लस 4 करना है, तो के स्क्वायर आप देख रहे हैं कितना है, 5 का स्क्वायर है, प्लस 4 है, तो यहाँ पर 25 + 4, तो यहाँ हो गया अंडर रूट 29। यहाँ वापस देखिए, यहाँ मैंने ये लिया है और इसके बारे में पूछा गया है एक्स की पावर 0.007 -1 = 5, देन व्हाट इज दिस क्वेश्चन, इट इज 5। आइए एक उदाहरण थोड़ा और देखते हैं, इसके बाद ट्रिक को खोलते हैं, ट्रिक को ओपन करते हैं, ट्रिक कैसे प्राप्त हुई इसे ओपन करेंगे हम सब मिलकर, आप सब मिलकर ओपन करेंगे। एक क्वेश्चन में और लेने की इच्छा रखता हूं कि एक्स की पावर 99 -1/(x^99) = 10। तो आपसे क्वेश्चन किया है देन एक्स की पावर 99 -1/(x^99) = व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क। तो हियर ए बराबर आपका एक्स की पावर 99 है और यहां पर ए का मान जो है 10 है। आपसे प्रश्न माइनस का मान दिया हुआ है, प्लस का पूछा गया है, तो आप उत्तर देंगे एक्स की पावर 99 प्लस 1/(x^99), तो आप कहोगे सर जी आपने तो फार्मूला ट्रिक का लिख रखा है कि k का स्क्वायर प्लस 4, k कितना है, यह k है, आपने देखा ये k है, k का वर्ग ना 10 का वर्ग प्लस 4, तो 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो गया प्लस 4, तो इसका आंसर क्या हो गया 104। तो आप लोगों ने उदाहरण देखा, तो यहां पर आपने देखा कि हम पावर पर निर्भर नहीं करते, किसी भी पावर पर हम निर्भर नहीं करते, चाहे पॉजिटिव पावर हो चाहे नेगेटिव पावर हो
चाहे दशमलव में पावर हो, हम नहीं निर्भर करते हैं, हम निर्भर करते बस इस वस्तु पर, इस ऑब्जेक्ट पर निर्भर करते हैं कि के कौन है और चार कैसे जोड़ा। आइए अब हम आपको ट्रिक ओपन करते हैं। तो मैं ट्रिक बिना ओपन करे जाऊंगा नहीं, आपको ट्रिक ओपन करके ही आपको कोई सा भी सवाल आप फिर कर सकते हैं, आप स्वयं सक्षम हैं इस कार्य के लिए। आइए अब हम ट्रिक को शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन मेरा प्रारंभ हो रहा है ट्रिक के लिए कि a माइनस वन अपॉन a बराबर k है। आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप वर्ग करने जा रहे हैं, स्क्वेयर करना है, तो आपने a लिखा, माइनस वन अपॉन a लिखा और आपने कहा सर जी वर्ग करना है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम वर्ग करना, आप याद दिलाइए, ये लो वर्ग कर दिया। अब इस स्क्वेयर को हमें छुड़ाना है। छुड़ाना क्या है स्क्वेयर को, a माइनस बी का स्क्वेयर बराबर से a का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी होता है। तो a के स्थान पर हमारा स्मॉल a के स्थान पर कैपिटल है और b के स्थान पर कौन है वन अपॉन a है। तो आप वर्ग छुड़ाएंगे तो आप बोलेंगे सर जी a का स्क्वेयर दिस और b का स्क्वेयर की जगह वन अपॉन a का स्क्वेयर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर माइनस लगाया है आपने, टू लिखा है, a लिखा है, a है और b कौन है वन अपॉन a है और आपने कहा सर जी इधर के स्क्वेयर। अब मैं इसे थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, इसे ऐसा ही लिख देना चाहता हूँ, पर यहाँ पर मैं प्लस का लिख देना चाहता हूँ, टू टाइम्स a डॉट वन अपॉन a। तो ऐसा कर तो दिया, तो बैलेंस बनाने के लिए मुझे फोर लिखना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा और वन अपॉन a भी लिखना पड़ेगा और उधर आपका केस करे, क्योंकि माइनस चार में से आप यहाँ ध्यान दीजिए यह प्लस टू है और ये माइनस के फोर है, तो आपके माइनस टू शेष रहेंगे। अब यहाँ पर बड़ा कमाल हो गया है, देखिए क्या हो गया है, अरे ये तो होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी का फार्मूला बन गया है। तो ये ए प्लस बी कौन है वन अपॉन ए का होल स्क्वायर बन गया है और आपका यहाँ पर केवल चार रह गया, देखिए ऐसे कैंसिल हो गया है, तो ये आपका चार बचा हुआ है, फोर है और उस तरफ केस कर है। अब आप a प्लस वन अपॉन a बराबर से आपने लिखा, चार को उधर ले गए तो प्लस का तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए अर्थात वर्गमूल ले लीजिए, एक स्क्वायर बहुत साइड तो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर प्लस फोर। देखिए ये आपकी ट्रिक आसानी से आ गई, इसे ही कहते ट्रिक। तो बड़े बड़े गणितज्ञ आपको केवल ट्रिक सिखाते हैं, पर ट्रिक आती कहाँ से यह कोई नहीं सिखाता, ये सीक्रेट रखना चाहते हैं, इसलिए सीक्रेट को मैं सारे भेद खोलने आया हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।